69,000 शिक्षकों की कोई भर्ती हुई थी और वो भर्ती अभी तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, कोई लीगल उस पर अड़चनें आ गई हैं, सरकार क्या कर रही है? देखिए, हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की एक प्रक्रिया पहले निकाली थी 69,000 का। उस समय बीएड के जो प्रशिक्षु थे या जो बीएड का प्रशिक्षण जिन्होंने पूरा किया था उनको इसमें अलाउ नहीं किया था एनसीटीई ने, तो स्वाभाविक रूप से केवल बीटीसी टीटी पास वाले लोग ही इसमें भर्ती हो सकते थे। जब उसका परिणाम निकला तो पहले जब आवेदन मांगे गए तो 1,05,000 लोगों ने आवेदन किया, तो स्वाभाविक रूप से 1,05,000 में से 69,000 हमारी भर्ती निकली थी, तो 69,000 में वो लोग पास हो सकते थे। लेकिन जब यहाँ पे रिटर्न टेस्ट हुआ तो कुल 41,500 लोगों ने उसको क्वालिफाई किया, तो हमने सबको नियुक्ति पत्र दे दिया। वे सभी लोग बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नौकरी कर रहे हैं, उनके ट्रेनिंग के बाद उनको सभी को नौकरी दे दी। इसके बाद 69,000 की फिर हमने भर्ती और निकाली। भर्ती में तब तक शिक्षा मित्रों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया था कि शिक्षा मित्रों में जो योग्य हैं इन लोगों को, जो इन सब को करते तो इनको कुछ वेटेज दिए जाए एक्सपीरियंस में भी, और साथ साथ एक्सपीरियंस को लेकर के इनको दिया जाए। तो हम लोगों ने उसी अनुसार एक तय किया, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि योग्य शिक्षक होने चाहिए और दूसरी तरफ पिछले 1.5 साल से वो मामला हाई कोर्ट में लटका हुआ है। हमने उसमें कैटेगरी तय की भाई इतने से कम के हम शिक्षक नहीं लेंगे, अगर मेरिट में जो हमने टेस्ट लिया इससे कम है होगा तो हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि इस बार तो बीएड ने भी, उस बीएड के जो प्रशिक्षणार्थी हैं उन्होंने भी, जिन्होंने बीएड का प्रशिक्षण लिया वे लोग भी इसमें किए हैं। इस बार 69,000 के लिए 5,00,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। अब 5,00,000 उन सभी युवाओं को 1 साल पहले इसमें उनको यानी उनको पूरी परीक्षा पूरी हो चुकी, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन वही है हर तीसरे दिन डेट लगती है, 10 मिनट सुनवाई होती फिर अगले दिन डेट लग जाती है। तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है वो उसके कारण वो अटका हुआ है। प्रदेश सरकार सारी समाधान कर चुकी है, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट की उस भावना का सम्मान होना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि मेरिट और योग्यता आधार बनना चाहिए, और हम उसी मेरिट और योग्यता को आधार बनाना चाहते हैं जिससे प्रदेश के विद्यालयों में अच्छे शिक्षक आ जाएं और उस प्रक्रिया को हम पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो मामला तारीख पर तारीख का है, और तारीख पर तारीख का है, तो इसलिए उस तारीख पर तारीख का 69,000 शिक्षकों का मामला उसी में अटका हुआ।